दोस्तों, आखिर आधी रात को अब मुनव्वर फारूकी ने ईशा मालविया को ऐसी कौन सी बात बोल दी है जिसके बाद ईशा मालविया भी हैरान हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर ईशा मालविया के पास जाकर मुनव्वर फारूकी ने किसी और को लेकर नहीं बल्कि समर्थ को ही लेकर एक ऐसी बात बोल दी है जिसके बाद ईशा मालविया भी पूरी की पूरी सोचने पर मजबूर हो गई है और वो ये सोच रही है कि आखिर वो अब करे तो क्या करे। लेकिन दोस्तों, आखिर आधी रात को जब मुनव्वर फारूकी ईशा मालविया के पास पहुंचे तो क्या कहा है उन्होंने, चलिए पूरी पूरी जानकारी देते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि वो 17 से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और बड़ी से बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता देंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस 17 के घर के अंदर अब ईशा मालविया का जो करंट बॉयफ्रेंड है जिसका नाम समर्थ जुरेल है, अब उसकी एंट्री हो चुकी है। इतना नहीं, आपको बता दें कि जैसे ही समर्थ जुरेल की घर में एंट्री हुई तो उनकी एंट्री के साथ साथ यहां पर एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया अभिषेक कुमार और समर्थ जुरेल के बीच में। और आपको बता दें कि इस हंगामे को देखकर, इस लड़ाई को देखकर सभी के सभी घर वाले हैरान हो गए हैं और सभी के सभी घर वाले पूरी तरह से डर गए हैं, क्योंकि यहां पर अब हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर अब जो ईशा मालविया के दूसरे बॉयफ्रेंड घर में आए हैं तो अब आखिर ऐसा में इन दोनों के बीच में क्या होगा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अब आधी रात को मुनव्वर फारूकी सीधे ईशा मालविया के पास पहुंच गए हैं और ईशा मालविया के पास पहुंचकर मुनव्वर फारूकी ने यह कहा है कि ईशा मेरी बात ध्यान से सुन, जब से समर्थ घर में आया हुआ है उसने ये बात कही है कि वो तेरा बॉयफ्रेंड है और कोई भी इंसान पूरे नेशनल टेलीविजन के सामने इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकता, और अगर तुझे ऐसा लगता है और अगर तुझे पता है कि वो सच कह रहा है तो तू इस बात को छिपा मत, इस बात को सभी के सामने बोल दे, झूठ मत बोल, क्योंकि इससे तेरा ही नाम खराब होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मुनव्वर फारूकी की बात ईशा मालविया को मान लेनी चाहिए या फिर नहीं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और बिग बॉस 17 से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।